हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज्वार के आटे का चीला। ज्वार जो होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। तो आप एक बार इसका चीला बना करके ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बच्चों को आप चाहें तो इसको टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 कटोरी भर के ज्वार का आटा। ये बहुत ही आसानी के साथ आपको किसी चक्की या डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिल जाएगा। अब इसमें डाल दिया है मैंने लगभग 3 से 4 चम्मच दही, और हम आटे और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। तो आप पानी एक बार ही मत मिलाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा। हमें पहले इसका एक गाढ़ा घोल बना करके तैयार करना है। अब हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटा करके इसको अच्छे से मिला लेंगे, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। जितना हम चीला बनाते हैं वैसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, तो हम उसी हिसाब से इसमें थोड़ा सा पानी और मिला लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ अपनी मन पसंदीदा सब्जियाँ। तो सब्जियों में आप अपनी मन पसंदीदा कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, गाजर, बीटरूट, मटर को आप थोड़ा सा दरदरा करके उसको भी डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दिया है शिमला मिर्च, प्याज, बीन्स, धनिया की पत्ती और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आप चाहें तो इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम तवा गरम कर लेंगे और थोड़ा सा तेल इस पर डाल देंगे। और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा राई या फिर सरसों के दाने। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। आप चाहें तो ये तड़का अपने घोल में भी डाल सकते हैं, तो इससे आपका काम एक बार में ही हो जाएगा। आपको बार बार तवे पर राई को डालना नहीं पड़ेगा। इसके बाद 1 कलछी भर के हम चीला का घोल इस पर डालेंगे, और जैसे हम नॉर्मली सूजी का चीला घर में बनाते हैं या बेसन का, उसी तरीके से इसको दोनों तरफ से हम पलट लेंगे। पलट करके सेक लेंगे जब तक कि दोनों तरफ ये सुनहरे कलर का ना हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूजी का चीला बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है, लेकिन ज्वार का आटा थोड़ी टाइम लेता है पकने में। तो आप इसको धीमी आँच पर आराम से पकाइएगा, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में ये अंदर से कच्चा रह जाए। तो ये देखिए, उसी तरीके से मैंने 1 कलछी भर के तवा गरम कर लिया है और तवे पर घोल डाल दिया है। इसको आप चाहें तो थोड़ा पतला कर सकते हैं, इसको ज़्यादा मोटा मत रखिएगा, क्योंकि इसको पकने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए, मेरे ज्वार के आटे के चीले बन करके तैयार हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ ही साथ ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप इसको बच्चे को टिफ़िन में आराम से दे सकते हैं, या हस्बैंड को भी आप टिफ़िन में दे सकते हैं। तो एक बार ये मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको खाने के लिए हरी चटनी, दही या फिर नारियल की चटनी किसी के भी साथ इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। या फिर आप चाहें तो इसको शाम के नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो लीजिए, इन गर्मियों के लिए मैंने एक ज्वार के आटे का चीला आपके साथ शेयर किया है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।